तो एक तरफ भाजपा चुनावी पथ पर है तो वहीं रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति खुश है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में, कौन सा वर्ग खुश है, आप ले लीजिए किसी को भी ले लीजिए, इनकी सरकार में महिलाएं उत्पीड़न हो रहा है, हर दो घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार उत्तर प्रदेश में, ये तो इनकी रिपोर्ट कहती है। क्या यही इनकी देन है, हर दो घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो उत्तर प्रदेश में और उसके साथ में दुराचार हो, ये मुख्यमंत्री की देन है? या ब्राह्मणों की हत्या, 500 से ज्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की और उसके बाद 100 से ज्यादा इनकाउंटर, क्या ये इनकी देन है? इसी के लिए बहुत खुश होते हैं वो, बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं। किस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर दहशतगर्दी और दबंगई दिखा करके और बुलडोजर चलाते हुए बड़े चेहरा खुशी का दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी, क्या यही इसी के लिए हम लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी? किस तरह से किसानों को दबाने का काम किया, किस तरह से किसानों के ऊपर 3-3 काले कानून ला करके और 700 किसानों की बलि ले ली, 700 किसान माने रखते हैं, 700 किसानों की बलि इन्होंने चढ़ा दी है और उस 700 किसानों के साथ साथ में 4 लोगों को तो रौंद करके और सोची समझी रणनीति के तहत में साजिश के साथ में उनको रौंद करके कुचल के मारने का काम भी इन्होंने किया है। क्या यही संवेदनशील सरकार है? क्या यही बहुत अच्छी सरकार है? यहाँ के बेरोजगार लोग, बेरोजगार के लोग जिनसे वोट लेने का काम किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या उन्होंने इसलिए इनको वोट दिया था कि नौकरी की जगह उनको लाठियां खानी पड़ेंगी, उनको अपने सर फोड़वाने पड़ेंगे, सर में कितना खून निकला ये देखना पड़ेगा, घर वालों को दिखवाना पड़ेगा, ये इसलिए इनको वोट देने का काम किया गया था जिन्होंने वादा तो किया था कि हम नौकरी देने का काम करेंगे, हर तरफ से नौकरियां बंद करने का इंतजाम कर दिया, किस तरीके से अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के ऊपर हमलावर हुए, अध्यापकों के ऊपर हमलावर होते होते इन्होंने जब उनसे वादा किया था, पहले समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको जो जहां पर ऐसे अध्यापक हैं जहां उनको नहीं मिलता है, वित्तविहीन शिक्षक कहलाते हैं, उनसे कहा था कि हम आपको मान दे देंगे, अच्छा मान दे देंगे, समाजवादी पार्टी का धोखा खाए वो लोग, 20 लाख से ऊपर अध्यापक ऐसे, तब वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गए क्योंकि इन्होंने वादा कर दिया कि हम देंगे, जब 4.5 वर्ष हो गए और नहीं दिया तो क्या दिया इन्होंने उनको, जब वो विधानसभा घेरने के लिए आए तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाने का काम किया, उनका भी सर फोड़ने का काम किया, और जब महिला ने एक उसमें से जो अध्यापिका थी उसने जा करके विधानसभा के सामने अपना सर मुड़ा करके ये कहा कि हम इस सरकार की अंत्योष्टि घोषित कर रहे हैं अपना सर मुड़ा करके, तो ये मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं अगले दिन, मुख्यमंत्री जी जो कि कहते हैं कि हम तो महात्मा हैं, हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा है नहीं इस देश में, हम तो अगले प्रधानमंत्री हैं। तो सियासी संडे चल रहा